नमस्कार दोस्तों और वेलकम बैक। आप देख रहे हैं हिंदी ऑटोमोबाइल चैनल एपी टेक्निकल गुरु और मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त एपी। फ्रेंड्स, इस चैनल पर लाते हैं हम आपके लिए लेटेस्ट ऑटोमोबाइल्स न्यूज़, रिव्यू, इवेंट्स और ऑफर्स की जानकारी। साथ के साथ शेयर करते हैं हम आपके साथ जो कंपनियाँ अपग्रेड करती हैं, अपने जो भी लेटेस्ट मॉडल लॉन्च करती हैं या अपग्रेड करती हैं, वो सारी जानकारी इस चैनल के थ्रू आपके साथ शेयर करते रहते हैं। साथ के साथ जो कंपनियां डिस्काउंट्स ऑफर लाती हैं, वो भी हम वीडियो के थ्रू ही आपके साथ शेयर करते हैं। और इस तरह की लेटेस्ट वीडियो डेली हम आपके लिए लाते हैं, तो आप ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं फ्री में। केवल लाल रंग का जो सब्सक्राइब बटन आप देख रहे हैं, इसे एक बार क्लिक करना है और इसके बाद आता है बेल का आइकॉन यानी घंटे का चिन्ह, उसे भी एक बार आप दबा दीजिए। बस इतना करने से ही आप हमारे चैनल के सदस्य बन जाएंगे और जब भी नई वीडियो अपलोड होगी आपको तुरंत सूचना मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके कमेंट से ही एक क्वेश्चन पुटअप किया है कि क्या अब जो है जो फोर व्हीलर्स हैं, हमारी गाड़ियां हैं, कोई लग्जरी आइटम में हैं या प्राइमरी नीड्स बन चुकी हैं। तो फ्रेंड्स, ये बिल्कुल रियली बात है। अगर आप अभी तक टू व्हीलर्स पर हैं और आप फोर व्हीलर्स लेना चाहते हैं, तो आप किसी दिखावे में या किसी एक्सपेंसिव उसमें नहीं जा रहे, एक्सपेंसिव वे में, ये आपकी प्राइमरी नीड ही है। उसका कारण क्या है? उसका कारण आप जानते ही हैं, जब हमारी फैमिली थोड़ी बड़ी हो जाती है, जो टू व्हीलर पर नहीं हम जिसे कैरी ऑन कर सकते हैं, या हमें बहुत सारी ऐसी अपनी आवश्यकता पड़ती है डेली लाइफ में, या जब हमें कोई फंक्शंस होता है वहाँ पर जाना होता है, हमें बहुत सारी दिक्कत महसूस होती है या कभी कोई प्रॉब्लम आती है और हमें जाना है अचानक, तो हम कहाँ जाते हैं? हम टैक्सी स्टैंड पर भागते हैं और आप जानते ही हैं टैक्सी स्टैंड पर क्या होता है। हमें बिल्कुल उनकी शर्तों पर इन गाड़ियों को ले जाना पड़ता है और काश सोचते हैं, हमारे माइंड में आता है कि काश हम भी ऐसी गाड़ी रखते। कम से कम ये नहीं कह सोचते कि हम कोई 10-20 लाख की गाड़ी रखते या 10-20 लाख की कोई बहुत अच्छी जो है अपना इन्वेस्ट उस पर करते तो हम गाड़ी लेते। इतना ज़रूर सोचते हैं कि कोई मिड बजट की अगर सस्ती गाड़ी भी होती, कोई एक आधी लाख की भी, तो आज हमें ये प्रॉब्लम नहीं होती। तो इस प्रॉब्लम के सलूशन के लिए हम बिल्कुल फोर व्हीलर की तरफ जाते हैं दोस्तों, और ये बिल्कुल सही भी है। आज कोई ये गाड़ियाँ दिखावे का आइटम नहीं रही हैं, आप इस बात को मानेंगे, ये हमारी प्राइमरी नीड्स बन चुकी हैं। जैसे किसी ज़माने में आप जानते हैं बिल्कुल साइकिल भी एक इस तरह का एक्सपेंसिव आइटम था जैसे कि आज आप गाड़ियाँ मानते हैं। आप अपने पूर्वजों से, जो आपके बड़े बूढ़े हैं घर में, उनसे पूछ के देखिए, वो कहेंगे कि साइकिल भी उस समय ऐसे मानी जाती थी जैसे कि आजकल गाड़ी मानी जाती है। लेकिन टाइम चेंज हो चुका है, आज आपके घर में कई टू व्हीलर हैं, बावजूद इसके आपको आवश्यकता है कि आपको गाड़ी ज़रूर होनी चाहिए। तो ये कोई कंपलसरी नहीं है कि हर कोई, हम हैं, आप हैं, जो भी मिड वर्ग में से आता है कि वो एकदम कोई न्यू गाड़ी परचेज कर ले या बहुत महंगी गाड़ी ले। लेकिन फिर भी दो क्वेश्चन हमारे दिमाग में आते हैं कि हम गाड़ी क्या सोच कर लें, कि या हम बेस सेगमेंट की गाड़ी ले लें किसी कंपनी की, जो लगभग आप जानते हैं 3-3.5 लाख से कम की नहीं आती है किसी भी कंपनी की, उसके लिए भी इतना पैसा तो खर्च करना ही होगा, या दूसरा ऑप्शन होता है कि हम यूज्ड कार मार्केट से गाड़ियाँ लें। तो इसमें भी देखिए फ्रेंड्स, जो सेकंड ऑप्शन है कि आप यूज्ड मार्केट से गाड़ियां ले सकते हैं, ये ज़्यादा बेटर है। उसका कारण ये है, ये नहीं कहते हैं कि आप बेस सेगमेंट की गाड़ी ना लें, अगर आपका बजट हो आप ले सकते हैं, लेकिन बहुत से फीचर्स अभी आपको उसमें भी मिस होते हैं। और बिल्कुल आप स्टार्टिंग में जा रहे हैं तो फर्स्ट टाइम अगर आप चाहते हैं तो आप यूज्ड गाड़ी भी ले सकते हैं, और संभव है कि आपको बेस सेगमेंट के प्राइस से भी कम में काफ़ी अच्छी गाड़ियाँ मिल जाएँ। तो अभी जल्दी हमने एक शोरूम का विजिट किया है, वो आपको वीडियो में आगे दिखाने वाले हैं हम, तो जहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी गाड़ियाँ मिल जाती है। कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको नीचे मिल जाएगा। वीडियो अगर स्किप कर करके देखते हो तो आप पूरी वीडियो नहीं देख पाते हैं, तो शॉर्ट में वीडियो है, आप ध्यान से पूरी वीडियो देखिए। कॉन्टैक्ट नंबर आपको नीचे मिल रहा है, वहाँ पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उनके पास केवल यही नहीं, और भी बहुत सारी गाड़ियाँ अवेलेबल हैं, कुछ गाड़ियों का हमने शूट किया है इसमें से जो आपको दिखाने वाले हैं, तो आपको थोड़ा सा आइडिया ये हो जाएगा किस क्वालिटी की गाड़ी, किस मॉडल्स की यानी कौन से सन की गाड़ी हमें किस प्राइस तक मिल जाती है। और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। फर्ज कीजिए आप सोचते हैं कि आपको लगभग 2 लाख से भी कम के बजट में एक अच्छी गाड़ी मिल जाए, तो निश्चित रूप से मिल जाएगी, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपका बजट 1 लाख का है तो उस बजट में भी आपको गाड़ी मिल सकती है, बहुत अच्छी हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन आप मिड इसमें मिल जाएगी, मिड प्राइस के अंदर 1.5 लाख में आपको, कि जो आपकी डेली नीड्स उससे पूरी हो सकती हैं। आप बाद में चाहें तो उसे अपग्रेड करके, जब आपकी आवश्यकता हो या आपका बजट हो, आप नई गाड़ी ले सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम होती नहीं है दोस्तों। तो ये वीडियो में आप आगे देखेंगे, तो वीडियो ध्यान से देखिए, आपको थोड़ा आइडिया होगा। कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कॉल करके उनसे मालूम कर सकते हैं, और टाइम टू टाइम इस तरह की वीडियो अपलोड करते ही रहते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें, अगर आप वीडियो स्किप करेंगे तो आप नहीं जान पाएंगे इस बारे में। दोस्तों, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ ध्यान से। तो फ्रेंड्स, अगर आप बिल्कुल
लो बजट में गाड़ी परचेज करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है और अच्छी क्वालिटी में आपको गाड़ी मिल जाएंगी, जिसे आप बिल्कुल मान सकते हैं बेस सेगमेंट से भी 50% कम में पड़ेंगी, 70% कम में भी पड़ सकती हैं। इस तरह की गाड़ियां आपको अवेलेबल हो सकती हैं, तो आप एक बार इसके देखने के लिए विजिट अवश्य करें इन शोरूम्स का और अपनी नीड के अनुसार आप गाड़ी ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहें तो थोड़ा, अगर आपका बजट ज़्यादा है तो इस तरह की गाड़ी भी आपको मिल जाएंगी जो लगभग 2016 की हैं, 15 की हैं, और हर स्टेट की गाड़ियां यहां पर अवेलेबल हो जाती हैं। ये डिपेंड करता है आप कहां पर रहते हैं, ज़रूरी नहीं है हम आपको जहां का शोरूम दिखा रहे हैं आपसे वहीं से आप गाड़ी परचेज करें। अगर आप चाहें तो अपने लोकेशन यानी कि अपने स्टेट और डिस्ट्रिक्ट का नाम हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आप अपने स्टेट और डिस्ट्रिक्ट का नाम शेयर करेंगे तो हम आपको आपके पर्टिकुलर बजट के अंदर ही आपको ऐसी लोकेशंस बता देंगे जहां से आप अपने लिए गाड़ी परचेज कर पाएंगे काफ़ी अच्छी क्वालिटी में। तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं केवल अपने स्टेट यानी कि अपने प्रदेश का नाम और अपने ज़िले का नाम, केवल इतना लिखिए। और थोड़ा सा अगर आप चाहें तो डिटेल में लिख सकते हैं कि आपको किस क्वालिटी की और कितने बजट तक की गाड़ी चाहिए। तो ये देख सकते हैं जैसे ये 2015 की एक गाड़ी है, तो इस तरह की अगर आप देखते हैं तो ज़्यादा आप ओल्ड नहीं है, आप देख रहे हैं अच्छी क्वालिटी में, ये भी आपको मिल जाती है 3.5 लाख से 4 लाख के बीच में, जिसका अगर आप प्राइस देखते हैं तो लगभग 8 लाख के आसपास ही जाता है, यानी 50% का डिस्काउंट आपको इस पर भी मिल जाता है। इस तरीके से आपको ये हुंडई की आप गाड़ी देख रहे हैं, i10 है ये, तो इस पर भी काफ़ी अच्छा डिस्काउंट है जो लगभग आ रही है 7 लाख की और आपको मिल जाती है लगभग 2 लाख के आसपास ही। तो इसके लिए आपको थोड़ा इन शोरूम पर विजिट करना होगा, संभव है आप यहाँ से कॉन्टैक्ट करके थोड़ी जानकारी ले सकते हैं। इस समय ये मॉडल्स जब हमने वीडियो शूट की है अभी परसों ही, तो कुछ गाड़ियाँ इनमें से सेल भी हो चुकी हों, ये भी संभव है, लेकिन उनके पास बहुत सारी गाड़ियाँ अवेलेबल होती हैं और आती रहती हैं, नेक्स्ट टाइम आप ले सकते हैं उनसे। और अगर आप NCR के आसपास ही रहते हैं तब तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि अगर आप NCR से बाहर किसी स्टेट में रहते हैं तो दूसरा ऑप्शन हमने आपको बताया है कि आप सीधा अपना स्टेट और डिस्ट्रिक्ट का नाम शेयर करें, तो हम आपको जानकारी आपके साथ शेयर कर देंगे कि आपके पास जो नियरेस्ट, तो जो बिल्कुल ऑथराइज डीलर होंगे जहां से आपको इन गाड़ियों की वारंटी भी मिलेगी, यानी कि इनके पास ऐसी गाड़ियां आती हैं जिनकी वारंटी भी देते हैं, आपको फ्री सर्विस भी देते हैं, तो कम से कम बहुत कम टेंशन रहती है अगर आप आउट ऑफ मार्केट से लेते हैं बनिस्बत उसके, यानी कि उसकी अपेक्षा, प्लस क्वालिटी का भी थोड़ा यहाँ पर ध्यान रखा जाता है। तो इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से आपके साथ कोई चीटिंग नहीं होगी, क्योंकि आप चाहे कम बजट की लेते हैं या हाई बजट की लेते हैं तो आपका पैसा काफ़ी मेहनत का वेस्ट नहीं जाए, यही हमारा उद्देश्य है इस चैनल को चलाने का। तो आप इसके द्वारा हर तरह की सजेशन हमसे ले सकते हैं। अगर आप न्यू गाड़ी परचेज करना चाहते हैं, यूज गाड़ी परचेज करना चाहते हैं, उनके डिस्काउंट्स ऑफर जानना चाहते हैं तो आप हमारे साथ शेयर करिए, बेझिझक होकर आपके हर कमेंट्स का हम उत्तर देते हैं। आप जानते हैं हमारे कमेंट्स बॉक्स देख सकते हैं कि उसमें सभी कमेंट्स का आंसर दिया जाता है, लेकिन आपको जो आवश्यक है केवल वही कमेंट्स कीजिए, क्योंकि जब टाइम मिलता है हम आपको आंसर दे देते हैं। और इसके अलावा फ्रेंड्स, आप वीडियो को लाइक करना तो भूल ही जाते हैं, तो वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए फोर व्हीलर्स के बारे में तो हमसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय, टेक केयर, टेक सेफ, जय हिंद, वंदे मातरम।